हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइव में। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम बड़े अच्छे लगते हैं 2K कास्ट की। जी हाँ, दिशा परमार की बात कर रहे हैं। बताते चले कि इसमें राम और प्रिया की कहानी काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसा कहा जाए कि प्रिया अका यानी कि दिशा परमार शो छोड़ सकती है, तो यहाँ पर फैंस को कितना बड़ा धक्का लगेगा। बता दी कि दिशा परमार ने साल 2021 में राहुल वैद से शादी की थी, तो साथ में अक्सर स्पॉट किए जाते हैं। 17 फरवरी को भी इन्हें पैपराजी ने कैमरे में कैद किया, यानी कि अभी लेटेस्ट भी और उससे पहले भी काफी बार ये स्पॉट किए गए हैं। लेकिन बताते चले कि कुछ तस्वीरें अब सामने आई, इसको देख कर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो दिशा परमार छुपाने में लगी है। लेकिन इस बार जब उनकी तस्वीरें सामने आई तब कई तरह की बातें होने लगी। लोगों ने उनके आउटफिट पर कमेंट करना शुरू कर दिया और ये अनुमान लगाने लगे कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है। हालांकि इन सब बातों पर दिशा ने खुद जवाब दिया कि और सच भी बताया। बता दें कि ब्लैक टी शर्ट और डेनिम में जहां राहुल नजर आते हैं, वही दिशा परमार भी ऑरेंज ओवरसाइज शर्ट और ब्लू जीन्स में स्पॉट की गई। दोनों डिनर डेट के लिए निकले थे, अब एक्ट्रेस के ओवरसाइज शर्ट पर सबका ध्यान चला गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दिशा प्रेग्नेंट है और जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने वाली है। कुछ ने ये तक कह दिया कि शर्ट में दिशा प्रेग्नेंट लग रही है और उनके चेहरे पर ग्लो भी नजर आ रहा है। अब इस पर एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी में रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा था उस समय पर कि अब मैं कभी भी ओवरसाइज शर्ट नहीं पहनूंगी, ना ही टी शर्ट, कि ये लोग ऐसा सोचे। अब यहाँ पर देखना यह है कि सच में प्रेग्नेंट है दिशा परमार या फिर नहीं है, और अगर प्रेग्नेंट होती है तो क्या शो छोड़ देगी, क्योंकि अभी तो बड़े अच्छे लगते हैं 2 में नकुल मेहता के साथ नजर आ रही है और वहीं पर राहुल अपने म्यूजिक वीडियोस में लगातार बिजी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को कितनी एक्साइटमेंट है और आपको कितना बुरा लगेगा जब शो छोड़ कर जाएगी दिशा परमार। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।